हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू डाउनलोड आयरन मैन आर्मरी इन माइनक्राफ्ट। तो फिर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप 3 आयरन मैन मोड के ऊपर, और लिटरली वही एक वीडियो है जो मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। हाँ, उसमें 11K के व्यूज़ है, पर उनमें से ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे पता है बहुत लोगों ने ही सब्सक्राइब किया था, पर ज़्यादातर लोगों ने ही सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद से लाइक और सब्सक्राइब किया करो, नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। ठीक है, जोक्स अपार्ट, तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था, भाई इसका डाउनलोडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो भाइयों, ये रहा वो वीडियो। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले शाउट आउट की बारी। तो हमारा पहला शाउट आउट जाता है नूप टू प्रो को। इनका कमेंट हमेशा मेरे दिल को छू जाता है। ये हर बार इतना अच्छे कमेंट करते हैं कि मैं क्या बताऊँ, हमेशा मेरे दिल को छू जाता है। और हमारा दूसरा शाउट आउट जाता है चिराग पटेल को। इन्होंने हमें कहा था कि डाउनलोडिंग के ऊपर एक वीडियो बना दो इस वीडियो के। और हमारा तीसरा शाउट आउट जाता है सरजीत सिंह को। और हमारा चौथा शाउट आउट जाता है डार्क रो वाईटी को। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने शाउट आउट नहीं दिया, तो उसके लिए सॉरी। मैं जितने भी लोगों ने मुझे अच्छी कमेंट किया है मैं सबको शाउट आउट दूंगा। इसके बाद वाले वीडियो में शायद मैं शाउट आउट दे दूं। तो फिर बिना वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आपको एक मीडिया फायर की लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आपको सिंपली टाइप करना है और आप पहुंच जाओगे मीडिया फायर के इस वेबसाइट में। तो यहाँ पे आके सिंपली आपको इस मोड को डाउनलोड कर लेना है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है, और कुछ ज़्यादा नहीं 500 KB का है, बहुत ही कम KB का ऐप है। तो इसे सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है, आपका कोई भी फाइल मैनेजर है उसको ओपन करना है। मैं जेड अचीवर यूज़ करता हूँ, तो जहाँ पे वो वाला फाइल डाउनलोड हुआ है उसके अंदर जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली इसके ऊपर दबा के रखना है, दबा के रखना है। तो ये इसके ऊपर दबाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगी, एक्सट्रैक्ट हियर, आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रैक्ट वाला जो बटन है उसको दबाना है। उसको दबाने के बाद आपको सिंपली बैक आना है, एंड्रॉयड में जाना है, फिर डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे com.mojang वाला माइनक्राफ्ट का फाइल मिल जाएगा, इसके अंदर आपको जाना है। तो इसके लिए आपको जेरा चीवर की ज़रूरत बिल्कुल ही पड़ेगी, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे बिहेवियर पैक में जाके आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे जो हाग बैकअप IRP जो है इसको सिंपली आपको होल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं होल्ड करने के बाद आपको सिंपली इसे कट करना है। कट करने के बाद एक स्टेप बैक आके आपको रिसोर्स पैक में इसे पेस्ट कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो हमारा बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक हमने पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपकी माइनक्राफ्ट को ओपन करता है। यहाँ पे मैं माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है, तो इसको ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वर्ल्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड करते हैं, और वर्ल्ड क्रिएट करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले मैं क्रिएटिव मोड में कर लेता हूँ, और आपको जो आपका जो एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले आपको इसे पूरा ऑन करना है, हमेशा हमेशा जब आप वर्ल्ड क्रिएट करोगे पूरा इसे ऑन करना है। और यहाँ पे जो एक्टिव चैट से इसको तो ज़रूर से ऑन करना है याद करके। ये जो एडुकेशन एडिशन है इसको ऑन करना है, नहीं तो ये मोड नहीं चलेगा, आपको इसे ऑन करना ही होगा।
नहीं करोगे तो आपका वर्ल्ड नहीं चलेगा, मतलब मोड नहीं चलेगा। ऐसे बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक को आपको एक्टिव कर लेना है। और बहुत लोग जो कह रहे थे कि मेरे अंदर माइनक्राफ्ट के अंदर ये मोड नहीं चल रहा है, तो आप लोगों ने शायद एडुकेशन एडिशन ऑन नहीं किया था, इसलिए आपका ये जो मोड है ये चल नहीं रहा था। तो अब जब इसे आप ऑन कर दोगे तो आपका ये चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा स्टैटिक ग्लासेस पर, मैं आपको इसे सर्वाइवल में क्रिएट करके दिखाता हूँ कि ये सर्वाइवल में भी क्रिएट होता है। तो इसके लिए क्राफ्टिंग टेबल की तो ज़रूरत पड़ेगी, और चाहिए होगा रिपीटर्स, और उसके साथ चाहिए ग्लास पेंस, और चाहिए एक आयरन का हेलमेट, और चाहिए एक लैपिस लाजुली उठा लेते हैं। सबसे पहले मैं सर्वाइवल मोड में चला जाता हूँ, आपको दिखाना है ये सर्वाइवल मोड में भी क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्राफ्टिंग टेबल के अंदर जाना है, क्राफ्टिंग टेबल के अंदर जाके आपको आयरन का हेलमेट बीच में रखना है, और यहाँ पे लेफ्ट में ग्लास पेन, राइट में लैपिस लाजुली, और ऊपर के दो साइड रिपीटर्स, तो आपका बन जाएगा स्टार्कटेक ग्लासेस। तो ये सब मैंने बना लिया है स्टार्कटेक ग्लासेस। और इसको पहनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली से होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे मैं इसको पहनता हूँ, ये रहा स्टार्कटेक ग्लासेस, देख सकते हो। मैं यहाँ पे पहनने दो बार टाइप करोगे तो ये अपने आप ही उतर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पहन लिया, अब मैं आपको सूट अप करके दिखाता हूँ। सूट अप करके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक बार क्राउच करना है, आपको पहली बार क्राउच करना है, और ऐसे आपका मार्क बच जाओगे, जो भी मार्क का सूट आपको पहनना है उसके ऊपर सिंपली दबाना है, और फिर से दबाओगे तो यह फिर से खुल के फिर पहन लेगा। अब मैं आपको सूट पहन के दिखाता हूँ, एक बार क्राउच कर छोड़ना है, ये मार्क वन पे सेट हो चुका है। अब जब भी मैं यहाँ पर स्प्लिट करूँगा अपना सूट पहन लेगा, देख सकते हो यहाँ पर ये मार्क वन वाला सूट पहन ले रहा है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए ये मोड सब मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसका जो ग्राफिक्स है वो नेक्स्ट लेवल है। इस मोड का ग्राफिक्स देख के ही मैं फिदा हो गया था। तो यहाँ पे इस मोड के अंदर आप उड़ सकते हो, जैसे क्रिएटिव मोड में डबल टैप करके उड़ते हो तो वैसे ही उड़ सकते हो। देख सकते हो मैं सर्वाइवल में भी उड़ रहा हूँ, मेरा हेल्थ बार और हंगर बार देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा, और नहीं पता चल रहा तो मैं यहाँ से नीचे गिर कर दिखाता हूँ, मुझे डैमेज पड़ रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे यह भी मैं इसकी मैं एबिलिटीज आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आपको एबिलिटी यूज़ करने के लिए सिंपली क्राउच करना होगा, क्राउच करने के बाद जो भी एबिलिटी यूज़ करनी है उसे सिलेक्ट करके फिर स्प्लिट करना होगा, मतलब दौड़ना होगा। तो यहाँ पे इसकी सीक्रेट एबिलिटी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसका स्पेशल एबिलिटी है ये फास्ट छोड़ता है, आपको पता ही होगा अगर आपने आयरन मैन 1 वाली मूवी देखा होगा, तो उसके अंदर उसके पास एक फायर का एबिलिटी भी था। तो यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ आपको मार्क 3 का सूट, और इसमें ये वाला जो मार्क 3 है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये सारे आर्म्स आके जैसे आयरन मैन मूवी में उसको सूट अप करवा था वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसके अंदर। और मैं अब आपको एक और दिखाता हूँ मार्क 5 का, जैसे सूट केस के अंदर से निकलता था वैसे ही निकलेगा। इसकी ग्राफिक्स इतना ज़्यादा है, कौन इसे पसंद ना करे, कौन ये मोड पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सूट केस के अंदर से कैसे अपना आर्मर निकाल रहा है, बिल्कुल असली आयरन मैन 2 मूवी में जैसे दिखाया गया था बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है। आपको हर सूट के अंदर इक्वली सारे पावर ही दिखने को मिल जाएगा, पर कुछ कुछ सूट के अंदर आपको थोड़ी सी अलग पावर दिखेंगे। जैसे मार्क 1 में स्पेशल एबिलिटी जो कि फायर, और मार्क 85 में आपको नैनोटेक शील्ड देखने मिलेगा, लेज़र का भी एक ये मिलेगा आपको ऑप्शंस, और भी जितने भी शूट्स से उनके अंदर अलग अलग शूट्स के अंदर थोड़ी सी बहुत अलग अलग एबिलिटी होंगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रिपल्सर आपको चेस्ट रिपल्सर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ शिप के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो। जब भी स्प्लिट करोगे तब भी आपका ये काम करेगा, मतलब अटैक्स काम करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे ये करना है, पहले आपको ग्लास को पहन लेना है, फिर एक बार क्राउच करना है,
आपको जो भी मार्क का सूट पहना है उसके ऊपर, जैसे मैं अभी पहनता हूँ मार्क 9, यहाँ पे मैंने मार्क 9 सेट किया, तो ये देखिए हर एक सूट के अलग अलग ग्राफिक्स है, देख सकते हो कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हर सूट्स के अलग अलग ग्राफिक्स है, थोड़े बहुत सूट्स के थोड़े अलग पावर्स भी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर रिपल्सर पे सेट करता हूँ, मैं इसी के ऊपर आपको अटैक करके दिखाता हूँ, हर एक एनिमल के ऊपर अटैक करेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं देख सकते हो मैं शीप के ऊपर अटैक कर रहा हूँ और उसको डैमेज भी पहुँच रहा है। यहाँ पे आपको मार्क 85 तक के सारे सूट दिख जाएंगे। या आपको पता ही होगा टोनी स्टार्क के मार्क 85 तक सूट थे एमसीयू के अंदर, तो मैं आपको लास्ट वाला सूट मार्क 85 दिखाता हूँ। तो थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हर एक सूट्स के दिखाएगा ना, इसलिए थोड़ी सी वेट कर लीजिए। तो अब मैंने मार्क 85 पे सेट कर दिया है। जब भी मैं स्प्लिट करूँगा तो देख सकते हो जैसे आर्क रिएक्टर से सूट नैनोटेक सूट निकलता है वो बिल्कुल वैसा ही ग्राफिक्स है, बिल्कुल वैसा असली जैसा ग्राफिक्स यहाँ पे लग रहा है। अब मैं इसकी पावर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। उसकी एक और पावर है जो बाकी सूट के अंदर नहीं मिलेगा, वो है लेज़र का पावर। यहाँ पे देख सकते हो मैं फर्स्ट पर्सन में दिखाता हूँ लेज़र का पावर कैसे काम करता है इस तरीके से। और ये लेज़र पावर आपको आयरन मैन 2 मूवी में जो सूट्स था उसके अंदर भी दिखाया था, लास्ट में जब रोडी को बचाने के लिए उसने ये वाला एबिलिटी यूज़ किया था, सारे के सारे रोबोट्स को एक बार में मारा था इस एबिलिटी से। और यहाँ पे नैनोटेक शील्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आपको डिफेंस का थोड़ा पावर मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो रेस्पिरेशन मिलेंगे आपको जब भी आप हर एक का अटैक, मतलब हर एक एबिलिटी आपको यूज़ करने के लिए स्प्लिट करना होगा, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ तो ये अपने एबिलिटी यूज़ कर रहा है। तो आई होप आप सभी लोग समझ ही चुके होंगे। अगर थोड़ी सी भी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वह सब को समझा दूँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना, और अपने दोस्तों के संग वीडियो को शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।